जब हल्लो अगर शॉर्ट हुआ तो हमें किस सप्लाई को चेक करनी है? पहला सप्लाई को चेक करनी है। सो पैरेलल में कौन से कंपोनेंट लगे होंगे? कौन से कंपोनेंट लगे होंगे? जीजा साला। और अगर ओपन हुआ तो क्या? चप्पल। क्या ढूंढनी है? चप्पल ढूंढनी है हमें। बहुत अच्छे रिव्यू मिले यहाँ पे आकर। अच्छा लगा? दो दिन में सीखने को मिला कि नहीं मिला? अभी दो दिन में झंडे गाड़ देंगे सर। झंडे गाड़ देंगे। कॉपी किताब पेन तो नहीं लाए हो? कोई कॉपी किताब पेन तो नहीं लाया ना? कुछ लिखवा तो नहीं रहा हूँ ना? प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ? डायोड के तीन प्रकार होते हैं, एक जिनर डायोड, एक नॉर्मल डायोड, एक लाइट एमिटिंग डायोड। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि डायोड की चेकिंग क्या होती है? सो कैसा लगा सच बताओ दिल से? सर मुझे सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे समुद्र मंथन में पूरा निकलता है, 14 रत्नों के बाद 15 रत्न मुझे देव रत्न मिला। से हजार गुना ज्यादा मिला है मुझे। और एक एक चीज के बारे में डीपली जाके बताते हैं। कितने बजे से कितने बजे बताते हैं? क्योंकि दिन में तो मैं ही पढ़ाता हूँ जी। ये लगभग 9:30 बजे के आसपास आते हैं। हाँ। और रात में 12:30-1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। जब हम ही कहते हैं सर अब बस करो नींद आ रही है तभी से। तो 1:30 बजे कोई पढ़ाता है क्या इंडिया में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से भी सर एमएमसी का सीपीओ काम कर चुका हूँ। हाँ सर, मेरे पास बेसिक का नॉलेज नहीं था, उसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके, जितना मैं चाहा था उससे ज्यादा मिल गया। उससे ज्यादा मिल गया। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम। मैं हूँ देवेंद्र अग्रवाल और मेरे साथ में है मेरे स्टूडेंट्स और ये है 28 अप्रैल का बैच। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे जो वीडियो होते हैं ये हमेशा मैं छोटे छोटे वीडियो डालता रहता हूँ और ये वीडियो आपने देखे होंगे। ये है मेरे कितने दिन का आउटपुट? दो दिन का आउटपुट है। और जहां पर हमने क्या क्या सीखा दो दिन में, जैसे हमने दो दिन में क्या क्या सीख लिया हमने बताओ? दो दिन में रेस्टेज के बारे में सर सीख लिया। हाँ स्पीकर के बारे में। हाँ और कॉम्पोनेंट टोटल सीख लिए कि नहीं सीख लिए? हाँ सर। मतलब आपने कॉइल, आपने कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सारे चेक करने आएंगे कि नहीं आएंगे? जितने प्रकार के भी कॉइल हो आपको पता है कितने प्रकार के कॉइल है? ठीक है, ट्रांजिस्टर चेक करना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। आपने कोल्ड टेस्टिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। चलो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर बनती हैं। अब यही चीजें एक बार हम पूछते हैं इनसे कि स्टूडेंट से कि दो दिन में कि इनका क्या आउटपुट बनता है। तो सबसे पहले मैं इनको खड़ा करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित अत्री है। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से सर। सो रोहित ये बताओ कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? सर 6 प्रकार। कौन कौन से? नॉर्मल रजिस्टर। हाँ नॉर्मल में अगर 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से सर? और पैकेज रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर, और रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर और कोड रजिस्टर। अगर रोहित मुझे बताओ किन रजिस्टर में जंपर नहीं मार सकते हैं? सर हम फ्यूज रजिस्टर में जंपर नहीं लगा सकते और कोड रजिस्टर में जंपर नहीं लगा सकते। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं जैसे मैं यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट को और उठाना चाहता हूँ यहाँ पर, तुम हो जाओ, जैसे मैं कोड रजिस्टर में, कोड रजिस्टर कहाँ लगा मिलेगा मुझे बताओ? कोड रजिस्टर किस सेक्शन में? चार्जिंग सेक्शन में। अगर कोड रजिस्टर में जंपर मार देंगे तो क्या फॉल्ट बन जाएगा? वोल्टेज सर सही नहीं जाएगा सर। फेक चार्जिंग। कौन सा फॉल्ट बन जाएगा? फेक चार्जिंग यहाँ पर। सो आप ये बताओ रोहित कि किसी भी रजिस्टर को चेक करने के लिए अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि वो सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा, ये चेक करना आपको बनेगा? सर आप सब लोगों को बनेगा, इन्होंने सही बताया है। चलो अगर मुझे ये बताइए रोहित कि कोड रजिस्टर, जैसे आपने बताया कोड रजिस्टर, कोड रजिस्टर की वो लो वैल्यू भी हो सकते हैं, हाई वैल्यू भी हो सकते हैं? अगर लो वैल्यू होंगे तो जैसे अगर 2R2 की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी? 2.2R। और अगर 2K2 है तो उसकी वैल्यू क्या? 2K2 तो वो कौन सी वैल्यू हो जाएगा, लो होगा कि हाई होगा? हाई होगा। वो हाई होगा। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक 2.2R2 है तो वो सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा? वो सर सीरीज में होगा। सीरीज में, पैरेलल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू लो है। क्योंकि उसकी वैल्यू लो है, अगर वो पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा? हाई वैल्यू में होगा। सो अगर हमने पैरेलल में लगा भी दिया तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर बताया सारे प्रकार। अच्छा ये बताओ कि वीडिया रजिस्टर क्या काम करता है? वोल्टेज को कंट्रोल में रखता है। वोल्टेज को कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल। तो बताइए थर्मिस्टर का वर्ड क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। उसके कारण जो फॉल्ट आता है वो क्या होता है? क्या नाम है आपका? अशरफ सर। कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? यहाँ जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? मिला। चलिए ठीक है बैठ जाइए। सो हम इनके साथ बात कर रहे थे, इन्होंने सही बताया। यस सर। सो आपका नाम क्या था? रोहित अत्री। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे रिव्यू मिले यहाँ पे आकर। अच्छा लगा? दो दिन में सीखने को मिला कि नहीं मिला? अभी दो दिन में झंडे गाड़ देंगे सर। झंडे गाड़ देंगे। कॉपी किताब पेन तो नहीं लाए हो? कोई कॉपी किताब पेन तो नहीं लाया ना? कुछ लिखवा तो नहीं रहा हूँ ना? प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा हूँ? चलिए ठीक है बैठ जाइए। तो आप ये बताइए कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं?
कैपेसिटर के प्रकार दो, दो कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर और नॉन पोलर। डायोड कितने प्रकार के होते हैं? डायोड के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एलईडी डायोड, जिनर डायोड, नॉर्मल डायोड। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? एनपीएन और पीएनपी। कॉइल कितने प्रकार के होते हैं? कॉइल चार प्रकार। कौन कौन से? एक नॉर्मल कॉइल, हाँ, ड्यूअल कॉइल, हाँ, तीसरा कपलर, कपलर, और चौथा ये बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल यहाँ पर। कैसा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अतुल। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। कैसा लग रहा आपको यहाँ के? बढ़िया। बढ़िया लगा है आपको? जो सोचा था कि जो सीख, उम्मीद से 10 गुना। सच बता रहे हो यहाँ पर। चलिए आप बताइए कि इन्होंने बताया कॉइल के चार प्रकार बताए, सो मुझे बताओ कि किस कॉइल की वजह से डिस्प्ले का एरर आ सकता है, डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आएंगे या कैमरा में नहीं आएंगे, उसमें से चारों में से कौन सा कॉइल लगा हो सकता है? वो कौन सा कॉइल? ड्यूअल कॉइल। तो कौन सा कॉइल लगा हो सकता है? ड्यूअल कॉइल और कपलर। सो अगर मैंने आपको ये भी बताया ना कि ये कहाँ कहाँ लगा हो सकता है, इसको चेक करवाया कि नहीं करवाया, और ये भी बताया कि अगर इस कपलर में जम्पर लगाते समय टिप सुखड़ जाए तो क्या फॉल्ट जाएगा, कहाँ चला जाएगा आखिरी सर्किट, तो ये भी बताया ना कि डायरेक्ट कौन से, डायरेक्ट सीपीयू में, डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? सीपीयू में चले जाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे उन्होंने कैपेसिटर बताया, दो प्रकार के कैपेसिटर, कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। सबसे ज्यादा कैपेसिटर कौन से लगे होते हैं? नॉन पोलर। सबसे ज्यादा कैपेसिटर कहाँ लगे होते हैं? सबसे ज्यादा कैपेसिटर पावर एसी, पावर एसी के पास में लगे होते हैं। सबसे ज्यादा कैपेसिटर कहाँ लगना ज्यादा जरूरी होता है, जहाँ के बिल्कुल ही निकालना है? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल के पास। तो बूस्ट कॉइल कहाँ कहाँ लगा होता है? लाइट सेक्शन और पावर एसी। तो आप बताओ कैपेसिटर सबसे ज्यादा कहाँ लगे होते हैं? जहाँ बूस्ट कॉइल हो, जहाँ पे क्या हो? बूस्ट कॉइल हो। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ कि लाइट सेक्शन में लाइट चला जाता है एक कैपेसिटर के कारण, तो वो किसकी वजह से होता है, मतलब वो कैपेसिटर पहचान लोगे? हाँ। कहाँ लगा होता है वो कैपेसिटर? डायोड के माइनस में। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? विजय मोहिते महाराज। कैसा लग रहा है सच बताओ? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए ताली बजाइए यहाँ पर। और क्या नाम है आपका? मैं इनके सवाल इनके बारे में बताना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे को पहले दिन 2 घंटे बाद, जब हमने 6 बजे यहां से क्लास खत्म की थी 6:30 बजे, सो इन्होंने 2 घंटे बाद मुझे स्पीकर का सेक्शन ड्रॉ करके दिया था। सो इनके लिए खास ताली बजा दो। कितने साल से टेक्नीशियन हो? मैं तो अभी चार पांच साल। 4-5 साल से आप काम कर रहे हो यहाँ पर। सो अब ये बताइए कि यहाँ पर इन्होंने बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डायोड के तीन प्रकार बताइए। डायोड के तीन प्रकार होते हैं, जिनर डायोड, एक नॉर्मल डायोड, एक लाइट एमिटिंग डायोड। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि डायोड की चेकिंग क्या होती है? एक साइड वैल्यू देगा, एक साइड वैल्यू नहीं देगा। डायोड में क्या क्या तीन फॉल्ट आ सकते हैं? ओपन शॉर्ट लीकेज, यही तीन फॉल्ट सब जगह आते हैं जी। अच्छा ये बताओ कि वो कौन से दो कॉम्पोनेंट है जिसमें सिर्फ वो ओपन होता है और लीकेज होता है, जिसमें सिर्फ ओपन होता है और लीकेज होता है? रेजिस्टर और डायोड। कॉइल। कौन से वो कॉम्पोनेंट है जो सिर्फ ओपन होता है और लीकेज होता है? रजिस्टर और कॉइल। रजिस्टर और कॉइल। और कौन से कॉम्पोनेंट है जो आपके शॉर्ट भी होगा, जो आपका ओपन भी होगा और जो लीकेज भी होगा? डायोड। और कौन से कॉम्पोनेंट है जो केवल शॉर्ट और लीकेज होगा? डायोड कैपेसिटर। कौन से कॉम्पोनेंट है जो शॉर्ट भी होगा लीकेज भी होगा? कैपेसिटर। अच्छा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्पोनेंट को वो पैरेलल लगाए कि सीरीज लगाए, आपको पहचान में आ जाएगा? आप सबको पहचान में आ जाएगा, हाथ उठाइए। ठीक है। सो यहाँ पर सीरीज पैरेलल कोल टेस्टिंग टोटल कॉम्पोनेंट 2 दिन में आपने सीखे चेकिंग के साथ में। सिर्फ यहाँ पे क्या थ्योरी थोड़ी तो नहीं बताया ना मैंने, लिख के बोर्ड में बताया ना, और जितने भी डाउट है सब क्लियर किए कि नहीं किए? बहुत सारे डाउट अपन को आते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट बनना पड़ता है। सो कैसा लगा सच बताओ दिल से? सर मुझे सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे समुद्र मंथन में पूरा निकलता है, 14 रत्नों के बाद 15 रत्न मुझे देव रत्न मिला। 19 से 1000 गुना ज्यादा मिला हमें। अच्छा तो बहुत अच्छा लगा। और राजेश सर को बुलाना चाहेंगे। राजेश सर जरा आइए। राजेश सर के बारे में कौन बोलना चाहेगा, क्या बताना चाहेंगे? राजेश सर के बारे में बताता हूँ कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है और हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं, और उसके बाद मतलब हम लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं,
और एक एक चीज के बारे में डीपली जाके बताते हैं। कितने बजे से कितने बजे बताते हैं? क्योंकि दिन में तो मैं ही पढ़ाता हूँ जी। ये लगभग 9:30 बजे के आसपास आते हैं। हाँ। और रात में 12:30-1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। जब हम ही कहते हैं सर अब बस करो, नींद आ रही है, तभी से। तो 1:30 बजे कोई पढ़ाता है क्या इंडिया में? तो इसलिए इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है फिर? वेरी गुड। क्यों भाई राजेश, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल बिल तो मानते हो। तो राजेश सर के लिए खास तालियां हो जाए। बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है कहीं पर कि रात के 1 बजे अपनी नींद छोड़कर आप कहीं बैठे हो और किसी चीज को सिखा रहे हो। नहीं तो लोगों का तो ये होता है सर रात के 1-2 बजे मैं आऊंगा, रोड में मेरे को खतरा होता है, डर लगता है। और ये बेखो आप रात के, आपको पता नहीं है रात के 2-2, 3-3 बजे तक इन्होंने क्लास लगाई है पुरानी क्लास में यहाँ पर। सो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज देखी। अब हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बारे में पूछना चाहेंगे। सो आप में से ट्रांजिस्टर कौन कौन बता सकता है? सच बताओ तो बताओ। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, कौन से ट्रांजिस्टर? पीएनपी और एनपीएन। कौन से दो तरह के ट्रांजिस्टर? पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते बताओ? दो प्रकार के। कौन कौन से? पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर के 3 बड़े काम बताइए। एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग और रेगुलेटर। रेगुलेशन, रेगुलेट करना। अच्छा मुझे ये बताओ ट्रांजिस्टर में, मैं आपको कोई सा भी ट्रांजिस्टर देती हूँ, आप बता दोगे कि पीएनपी की एनपीएन है? चेक करना बन जाएगा? ये आपने कब सीखा था? दो दिन आज ही सीखा। ये आपने कब सीखा था? आज ही सीखा था। कितने घंटे पहले सीखा था सच बताओ? अभी सर 2 ही घंटे तो हो रहे हैं। 2 घंटे हो रहे हैं ट्रांजिस्टर सीखा आपने। सो अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर ड्रॉ करके, आप एक काम करो यहाँ पे ट्रांजिस्टर ड्रॉ करो, यहाँ पे हटाओ, तो आप इन्हीं से ड्रॉ करवाते हैं, आप बताना कि पीएनपी है कि एनपीएन है। सर देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर चलो उन्होंने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर दिया। अब आप आओ इधर और यहाँ पर उस ट्रांजिस्टर की वैल्यू लिखो, क्या क्या नाम हम ट्रांजिस्टर को देते हैं वो लिखिए। कौन कौन से इलेक्ट्रोड में क्या क्या नाम लिखा हो सकता है ये बताओ कि पीएनपी है कि एनपीएन है। आप बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी है सर। कौन सा ट्रांजिस्टर है? वेरी गुड, बहुत 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 बढ़िया बताया, तालियां बजा दो इसके लिए। अच्छा यही ट्रांजिस्टर आपका अगर बोर्ड में लगा होगा तो उसको पहचान लोगे? चेक करना आ जाएगा। ठीक है बैठिए यहाँ पर। सो अगर मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, आप फिर कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा, सच बताओ मतलब जो सोच के आए थे वो मिला कि नहीं मिला? इससे 10 गुना ज्यादा मिला सर। कॉम्पिटेंट का सही तरीके से नॉलेज मिला कि नहीं मिला? चलो आगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, बैठ जाइए। सो यहाँ पर हमने देखा लगभग आपने सारे कॉम्पिटेंट देखे। अच्छा पीछे से एक उठाना चाहूंगा यहाँ से, आप मुझे बताओ कि किन कॉलों में जंपर नहीं मार सकते? बूस्ट कॉइल पे जंपर नहीं मार सकते। बूस्ट कॉइल कहाँ कहाँ लगी मिलेगी? बूस्ट कॉइल लाइन सेक्शन में भी है और पावर आईसी पर। पावर आईसी का अगर एक कॉइल लीकेज है तो क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे उसका? कितने से कितना? 0.5 से 2.5 तक। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे मैं, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ बताइए मुकेश कहाँ से आए हो आप? नेपाल से सर। मुकेश नेपाल से आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ जीएसएम मुकेश से बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑलरेडी ईएमसी पे काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुकेश मुझे ये बताओ कि अगर किसी कॉल पे कोल टेस्टिंग करते समय, कोल टेस्टिंग का नॉलेज है कि नहीं है? अगर मुझे, अगर किसी भी कॉल को पता चल जाएगा कि पैलर है कि सीरीज है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसकी, कौन सी विधि यूज करेंगे? कोल टेस्टिंग करेंगे। तो चलो कोल टेस्टिंग करते समय अगर मैंने किसी कॉल पर ये चेक किया कि दोनों तरफ पे बीप आ रही है तो क्या वो शॉर्ट बनी जाएगी क्या? नहीं सर। क्यों? वो तो बीप आ रही है ना? नहीं सर, वो फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी की लाइन पे लगा हुआ है। अच्छा बताओ कॉइल शॉर्ट होती है क्या? नहीं सर। नहीं, क्यों? ऑलरेडी शॉर्ट ही होती है कॉइल। ऑलरेडी क्या होती है? शॉर्ट होती है। अच्छा मुकेश ये बताओ कि अगर मेरे पास स्पीकर का एक, मेरे पास एक स्पीकर बनने को आया तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा उसका पॉइंट, स्पीकर के टिप्स, उसमें मुझे 3 चीजें सही क्या मिलनी चाहिए उसमें सर? सही 3 चीज मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो वैल्यू सेम, वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है, और दोनों पे रेजिस्टेंस आना चाहिए। एक बीप नहीं आना, दोनों पर क्या नहीं आनी चाहिए? बीप नहीं आना चाहिए। तो मुझे मुकेश फिर से बताओ कि एक मुझे टिप्स पर 3 चीजें क्या मिलनी चाहिए, फिर से बताओ। सर बीप नहीं आना चाहिए। मुकेश मुझे ये बताइए कि अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एक स्पीकर के पॉइंट की, रिसीवर के पॉइंट की, तो मुझे क्या आना चाहिए, सही चीजें क्या आनी चाहिए? सही चीज रेजिस्टेंस आना चाहिए और रेजिस्टेंस दोनों में वैल्यू सेम आना चाहिए सर, और शॉर्ट नहीं आना चाहिए। तीसरा अगर मुझे 3 फॉल्ट क्या क्या मिल सकते हैं सर? उसमें 3 फॉल्ट शॉर्ट मिल सकती है और लीकेज मिल सकता है और ओपन। सो मुकेश आपने यहाँ बताया कॉइल के बारे में, किसी भी कंपोनेंट को
पहचान लोगे जी सर, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए सर, दो दिन में ही। हाँ सर, अभी बहुत ज्यादा अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सच बताओ? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से भी सर ईएमसी का सीपीओ काम कर चुका हूँ। हाँ सर, मेरे पास बेसिक का नॉलेज नहीं था, उसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ सर। बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे आके, जितना मैं चाहा था उससे ज्यादा मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। चलिए मुकेश के लिए ताली बजा दीजिए। चलिए मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। मोहन सिंह। मोहन, आप कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए सर। बंगाल से आए, आप मुझे ये बताओ कि अगर जैसे मुकेश ने बताया कि एक स्पीकर और रिसीवर के टिप्स में हमें तीन फॉल्ट मिल सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट होंगे? सर ओपन हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं और लीकेज हो सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर शॉर्ट हुआ तो हमें किस सप्लाई को चेक करनी है? शॉर्ट हुआ तो सर पैरेलल सीरीज, पैरेलल सप्लाई को चेक करनी है। सो पैरेलल में कौन से कंपोनेंट लगे होंगे? कौन से कंपोनेंट लगे होंगे? जीजा साला। और अगर ओपन हुआ तो क्या? चप्पल। क्या ढूंढनी है? चप्पल ढूंढनी है हमें। अगर मैं आपको बताता हूँ चप्पल में रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर में कौन से टाइप का रजिस्टर लगा होगा? फ्यूज रजिस्टर लगा होगा। ये इन्होंने सही बताया कि नहीं बताया? क्योंकि अगर कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो तीसरा क्या दिखता है फिर आपको? आईसी। तीन चीज क्या क्या दिखाई देती है? एक कंपोनेंट और आईसी। कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा, जैसे सोचा था वो मिला कि नहीं मिला? बहुत मिला। चलो ठीक है, थैंक यू, ताली बजाइए इनके लिए। तो दोस्तों ये है एशिया टेलीकॉम का 28 अप्रैल का बैच, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि काफी बच्चे हैं और काफी टैलेंटेड है, काफी हार्ड वर्किंग है, रात में भी ये लोग काम करते हैं और यही होता है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर मेरे पास आना है तो पहली चीज क्या आपने में होना चाहिए? हार्ड वर्क। यहाँ पर सोने वाले लड़कों को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? नहीं बुलाना चाहिए। तो आप लोग अगर सोने वाले लोग हो तो मुझे कॉल ही मत करना। हम लोग तो सर खाना ही नहीं खा रहे खाना ही नहीं खा रहे, परेशान हो गए बेचारे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप जैसे लोग जो दुकान में काम कर रहे हैं, जो अभी भी जो बहुत लेवल पे काम कर रहे हैं, ईएमसी लेवल पे काम कर रहे हैं, ये जो अपडेट होना चाहते हैं, जिनको अभी भी नहीं पता है बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। या तो फिर आप वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, या तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और ऑलरेडी आपको एक महीना या डेढ़ महीना हो गया है और तब तक आपको पता भी नहीं चला है कि अभी हम क्या बातें कर रहे हैं, तो मेरे भाई अभी के अभी वो छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूट। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर हमको कैरी करना चाहिए, है ना? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाते जाते एक साथ क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को डेढ़ महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को एक महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है।
अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो जो सर्किट बनाना था अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा दे रहे थे तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करते मतलब हम लोग सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं बोले मेरा दिल उड़ रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। सभी अभी मुझे घास में बोलना है कि मेरे लिए बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड? सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता है मैं अच्छा सा एक स्कूल हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सके मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हम तो फिर सुनी कल। हाँ सर कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amongst 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.